हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो पे हम जा रहे हैं ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से हमने दो पैकेट ब्रेड लिया हुआ है, इसके हम साइड वाले हिस्से को इस तरीके से निकाल देंगे। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छे से तोड़ लेंगे, मतलब तोड़ के हमें अच्छे से मैश कर लेना है। बिल्कुल ये जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से अलग अलग दोनों हाथ की मदद से हम इस तरीके से मैश कर लेंगे। इसके बाद हम इस पर पाउडर दूध का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम पाउडर मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से मैंने अमूल का पाउडर मिल्क लिया हुआ है, तो इसे दो पैकेट डालेंगे। इस तरीके से दो पैकेट डाल के इस तरीके से दोनों पैकेट आप डाल लें। इसके बाद हम इलायची को इस तरह से कूट लेंगे और इस तरीके से हाथ में भी मैश करके अच्छे से डाल देंगे। फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम अब डो तैयार करेंगे। तो डो हम जो रॉ मिल्क होता है, ताज़ा दूध होता है, उसे हम इस तरीके से हल्का हल्का देते हुए इसे डो तैयार करेंगे। आटे का डो पूरा अच्छे से तैयार कर लेनी है। तो चलिए इसे तैयार कर लेते हैं। जब हमारा डो ऐसा तो कंप्लीट हो जाएगा, तब हम इस पर हम ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑयल डालने के बाद फिर हम इसे अच्छे से डो बनाएंगे। तो इस तरीके से अच्छे से डो, जैसे हमारा डो स्मूथ हो जाएगा तब हाथ में भी हम ऑयल लेंगे। उसके बाद हम इसे छोटे छोटे पीस में रोल करेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे पीस में लेके हम गोल करेंगे। हमारा गुलाब जामुन बेसिक रेडी हो चुकी है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। सो देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ गोल, सुंदर सा गोल, बिना कटे फटे ये अच्छे से गोल हो जाती है। तो चलिए अब हमारा जो गुलाब जामुन है वो रेडी हो चुका है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से आप आधा आधा करके गुलाब जामुन फ्राई कर लीजिए, इस तरीके से जब तक ये ब्राउन कलर में ना हो जाए। जब तक ये रेडिश ब्राउन कलर होती है तब तक इसे फ्राई करनी है। सो देख सकते हैं हमारा जो रेडिश ब्राउन हो चुकी है। तो चलिए अभी हम चाशनी तैयार करते हैं। तो चाशनी के लिए देख सकते हैं पानी मैंने गर्म कर लिया है, इसमें अब हम चीनी डालेंगे। चीनी अब जब तक आप हाथ से छू के देखेंगे, जब तक वो चिकनाई नहीं दिखती है तब तक हमारी चाशनी रेडी नहीं होती है। तो इस तरीके से आप चला के देख ले और उसमें इलायची डाल के, और जो हमारा गुलाब जामुन फ्राई हो चुका है उसे हम इस तरीके से यहाँ डाल देंगे। उसे फिर हम और जो बचा हुआ गुलाब जामुन है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे सेम इसी तरीके से। व्यूअर्स, आपको हमारा ये गुलाब जामुन रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम और भी गुलाब जामुन को इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।